ब्रह्मोस के बाद अमोग 3 मिसाइल फिलीपींस में बवंडर मचाने को तैयार। भारत की बेहद घातक और दमदार मिसाइलों की दीवानी होती जा रही दुनिया। मिसाइलों के मार्केट में एकतरफा राज करने की प्लानिंग पर काम कर रहा भारत। दोस्तों, भारत आज के वक्त में दुनिया भर में मिसाइलों की ताकत में बेहद आगे जा चुका है, लेकिन भारत अब अपनी इस ताकत का इस्तेमाल हथियारों के बाजार में दिखा रहा है। एक वक्त ऐसा था जब भारत रूस से मिसाइलें हासिल करता था, लेकिन आज वो अपने दम पर हर तरह की मिसाइलें बनाकर पूरी दुनिया को सप्लाई करने को तैयार है। आज भारत के पास वो क्षमता है कि अगर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध न होते तो भारत के पास आज दुनिया की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल होती। फिर भी भारत ने अपने दुश्मन चीन और पाकिस्तान के पक्के इलाज के लिए अग्नि 5 और K5 जैसी घातक मिसाइलें अपने जखीरे में तैयार रखी हुई हैं, जिनमें से K5 हाल में ही तैयार हुई है। इसकी रेंज 6000 किलोमीटर तक है। भारत MTCR ग्रुप में पहले ही शामिल हो चुका है, जिसके बाद वो 300 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलों का निर्यात कर सकता है। इसी वजह से अब भारत बेहद घातक तकनीकियों से मिसाइलों को लैस करके बाजार में उतार चुका है। फिलीपींस, जहां पहले ही भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को हासिल कर चुका है, अब वो भारत की अमोग 3 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को हासिल करने की जद्दोजहद कर रहा है, जिससे कि वो चीनी टैंकों के चीथड़े उड़ा सके। तो आइए जानते हैं भारत के इस 100% स्वदेशी हथियार की बवंडर क्षमताओं के बारे में। एंटी टैंक मिसाइलों का घातक जखीरा तैयार कर रहा भारत। फिलीपींस इस मिसाइल के लिए करेगा भारत से बड़ा करार। जमीनी जंग में टैंकों और बख्तरबंद वाहनों का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर किसी सेना के टैंकों को तबाह कर दिया जाए तो उसे कुचलने में फिर ज्यादा वक्त नहीं लगता है। चीन ने अपनी सेना में भारी तादाद में टैंकों को तैनात किया है। हालांकि इस मामले में भारत के पास भी टैंकों की भारी फौज मौजूद है। चीनी टैंकों को तबाह करने के लिए मिसाइलों का विशाल जखीरा तैयार कर रहा है। भारत अपने जखीरे में अलग अलग रेंज और क्षमताओं से लैस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल तैनात करता जा रहा है। भारत के पास फिलहाल कौन कौन सी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें हैं और इनकी क्या क्या ताकत है, इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम उस मिसाइल की क्षमताओं के बारे में आपको बताना चाहेंगे जिसे फिलीपींस भारत से हासिल करना चाहता है। अमोघा 3 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बेहद अत्याधुनिक और सटीक मारक क्षमता वाली मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 200 मीटर से 2500 मीटर है। इसका अटैक मोड ऊपर से या सीधे टारगेट से टकराकर उसे तबाह कर देता है। इसमें जो हथियार लगा है वो 650 मिलीमीटर बियॉन्ड एक्सप्लोसिव रिएक्टर आर्मर को राख कर सकता है। इसमें ड्यूअल मोड इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर लगा है, यानी ये अंधेरे में भी टारगेट को पहचान कर उसे पूरी तरह से तबाह करने में सक्षम है। इस मिसाइल में उड़ते वक्त आवाज और धुआं बहुत कम होता है, जिसकी वजह से दुश्मन को इसके आने का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। इसकी लॉन्चिंग के वक्त भी बहुत कम आवाज होती है। इसे HIL रुद्र हेलीकॉप्टर और प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर पर तैनात किया जा रहा है। ये दागो और भूल जाओ तकनीक पर काम करती है। ये दुश्मन की तरफ इंफ्रारेड इमेजिंग और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल तकनीक की मदद से बढ़ती है। इस मिसाइल पर 8 फिन्स यानी छोटे छोटे पंख दिए गए हैं, जिससे उड़ान के वक्त इसे कंट्रोल किया जा सके। यह मिसाइल पूरी तरह से देश में ही बनी है। इस मिसाइल का वजन 18 किलोग्राम है। हालांकि इसे कम करके 15-16 किलोग्राम करने की प्लानिंग चल रही है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने इसे बनाया है। एशिया डिफेंस एंड सिक्योरिटी एग्जीबिशन 2024 में इसका प्रदर्शन किया गया है। ये एग्जीबिशन फिलीपींस में आयोजित किया गया है। फिलीपीनी सेना ने इसे भारत से हासिल करने का मन बना लिया है। फिलीपींस और चीन के बीच विवाद होता ही रहता है। ऐसे में फिलीपींस अपनी रक्षा क्षमताओं में इजाफा कर रहा है, जबकि भारत उसे पहले ही दुनिया की सबसे दमदार सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस दे चुका है। भारत और फिलीपींस के बीच रक्षा संबंध लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। आर्मेनिया और फिलीपींस भारत के हथियारों के दो बड़े ग्राहक बन चुके हैं, जबकि भारत की मिसाइलों के लिए तमाम दूसरे देश भी कतार में हैं। तमाम लेवल की बातचीत और ट्रायल के बाद ये करार किए जाएंगे। भारत मिसाइलों की तकनीकियों में तमाम तरह के रिसर्च कर रहा है, जिससे इनकी क्षमताओं को बेहद घातक बनाया जा सके, जबकि अलग अलग जरूरतों के हिसाब से इनकी ताकत बढ़ाई जा सके।
भारत अपने पिनाका रॉकेट लॉन्चर, निर्भय, प्रलय, प्रहार जैसी मिसाइलों को बना के भारतीय सेना की ताकत में इजाफा कर रहा है। निर्भय भारत की पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल है। ये अत्याधुनिक तकनीकियों से लैस है और वर्टिकली टारगेट की तरफ बढ़ती है, इस वजह से इसे इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता है। भारत इस मिसाइल को सुपरसोनिक स्पीड से लैस करना चाहता है, जिससे ये ब्रह्मोस से भी ताकतवर साबित हो सके। वहीं भारत अपने जखीरे में भारी तादाद में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल शामिल कर रहा है। भारत के हथियारों के जखीरे में तमाम स्वदेशी और विदेशी मिसाइलें हैं। मौजूद ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें जंग में भारत के लिए साबित होती हैं। ब्रह्मास्त्र भारतीय सेना के पास स्पाइक MR और स्पाइक LR एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की संख्या 400 से ज्यादा है। ये मिसाइल छोटी लेकिन घातक होती है। इसे कंधे से, ट्राइपॉड से या बाइपॉड से दागा जा सकता है। इस मिसाइल को टैंक पर तैनात किया जा सकता है और हेलीकॉप्टर में भी लगाया जा सकता है। चीन के साथ सीमा विवाद के वक्त भारत ने इजराइल से इमरजेंसी यूज के लिए इन मिसाइलों को खरीदा था। इसकी तकनीक इतनी अच्छी है कि टारगेट न भाग सकता है न छिप सकता है, यह उसे तबाह करने तक पीछा करती रहती है। इजराइल इसका इस्तेमाल 1981 से कर रहा है। इसका इस्तेमाल आज के वक्त में दुनिया के 35 देश कर रहे हैं। ये 1982 से लेकर अब तक 6 से 7 बड़े जंगों में इस्तेमाल की जा चुकी है। 2019 की शुरुआत में भारत सरकार ने 240 स्पाइक MR मिसाइल और 12 लॉन्चर्स मंगाए थे और उसी साल इन्हें सेना में शामिल कर दिया गया था। स्टर्म स्पाइरल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल रूस से हासिल की गई है। भारतीय सेना के पास स्टर्म यानी स्पाइरल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की तादाद 800 है। इसे हेलीकॉप्टर, आर्मर्ड व्हीकल, टैंक के ऊपर तैनात करके फायर किया जाता है। ये 5.3 फीट लंबी होती है। इसका वजन 31.4 किलोग्राम है। इसकी स्पीड 1240 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि इसकी रेंज 400 मीटर से 5 किलोमीटर है। इसमें 5.3 किलोग्राम का हीट पेनिट्रेशन वॉरहेड लगाया जाता है, जो दुश्मन सेना के टैंकों को तबाह कर सकता है। नाग के हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड वर्जन को हेलिना या ध्रुवास्त्र कहा जाता है। भारत में बने ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को हेलिना भी कहते हैं। ध्रुवास्त्र मिसाइल 230 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है, यानी 828 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी रेंज 500 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक है। ध्रुवास्त्र तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली है, जिसे आधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर पर स्थापित किया गया है। ध्रुवास्त्र मिसाइल हर मौसम में हमला करने में सक्षम है, साथ ही इसे दिन या रात में भी दागा जा सकता है। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के कई वेरिएंट हैं, जो बेहद घातक हैं। ये उन मिसाइल्स में हैं जिन्हें एक बार दाग दिया तो दुश्मन का काम तमाम हो जाता है। इसके लिए दुश्मन का सामने होना भी जरूरी नहीं, क्योंकि इसमें टारगेट तो लॉक करने की क्षमता है। इस खूबी को फायर एंड फॉरगेट कहते हैं। नाग मिसाइल लॉन्च होने के बाद अपने टारगेट का पता लगाती है और उसे खत्म कर देती है। वैज्ञानिकों ने इसके 5 अलग अलग वेरिएंट्स तैयार किए हैं, जिनकी रेंज 500 मीटर से 20 किलोमीटर तक है। दिन हो या रात, कैसा भी मौसम हो, नाग मिसाइल अपने दुश्मनों की तबाही को हमेशा तैयार रहती है। नाग मिसाइल को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था। इस मिसाइल के लैंड वर्जन के लिए खास तौर पर नाग मिसाइल कैरियर बनाया गया है। इसका दूसरा वर्जन मास्ट माउंटेड सिस्टम के लिए है। बाकी 3 की अपनी अलग अलग खूबियां हैं। भारतीय सेना कॉर्नेट स्प्रिगन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी इस्तेमाल करती है। कॉर्नेट स्प्रिगन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, भारतीय सेना के पास 3000 कॉर्नेट स्प्रिगन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैं। ये मैन पोर्टेबल हैं, यानी कंधे से दागी दा सकती हैं। इसे एक दर्जन युद्धों में इस्तेमाल किया जा चुका है, जहां ये बेहद कारगर साबित हुई है। एक मिसाइल का वजन 27 से 64 किलोग्राम तक होता है। इसमें 4.6 किलोग्राम का हीट वॉरहेड लगाया जाता है। कॉर्नेट की रेंज 100 मीटर से 5.5 किलोमीटर और कॉर्नेट EM की रेंज 8 से 10 किलोमीटर है। इसके अलावा भारत अटाका स्पाइरल 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इस्तेमाल करता है। इस मिसाइल का वजन 49.5 किलोग्राम होता है। इसकी लंबाई 72 इंच है। इसमें 7.4 किलोग्राम का वॉरहेड लगता है। इसकी रेंज 400 मीटर से 6 किलोमीटर है। ये अधिकतम 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर
तममा हवाई चुनौतियों को तबाह कर सकती है। इसे युद्धक टैंकों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। इसे हेलीकॉप्टर से भी दागा जा सकता है, जबकि भारतीय सेना के जखीरे में रूस की बनी कॉनकर्स स्पैड्रेल भी मौजूद है। कॉनकर्स स्पैड्रेल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। भारत के पास 15,140 कॉनकर्स स्पैड्रेल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें हैं। इन्हें भारतीय सेना ने BMP-2 इन्फेंट्री वाहनों पर तैनात किया है। इसका वजन 14.6 किलोग्राम है। इस मिसाइल की लंबाई 45 इंच है। इसमें 2.7 किलोग्राम हीट वॉरहेड लगाया जाता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 70 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर है। इसके अलावा मिलन टूटी को भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर बनाया है। इसकी ताकत कमाल की है। भारतीय सेना के पास 34,000 मिलन टूटी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें हैं। इसके 5 वेरिएंट्स हैं, मिलन 1, मिलन 2, मिलन 2T, मिलन 3 और मिलन यार। वजन 16.4 किलोग्राम और लंबाई 3.11 फीट है। इसमें सिंगल या टैंडम हीट वॉरहेड लगाया जाता है। इसकी रेंज 200 मीटर से लेकर 3 किलोमीटर तक है। इसे टैंक, ट्राइपॉड कंधे पर रखकर दागा जा सकता है। जमीनी जंग में ये गेम चेंजर साबित होती है। स्वेयर स्नाइपर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को गजब की क्षमताओं से लैस किया गया है। स्वेयर स्नाइपर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये एक लेजर गाइडेड मिसाइल है जिसे रूस ने बनाया था। ये मिसाइल भारत, रूस, चीन, सर्बिया और दक्षिण कोरिया की सेनाओं में इस्तेमाल की जाती है। भारतीय सेना के पास इसके 25,000 से ज्यादा मॉडल हैं। इसका वजन 16.5 से लेकर 17.2 किलोग्राम होता है। इसमें 4.5 किलोग्राम का टैंडम हॉलो चार्ज वॉरहेड होता है। यह लेजर गाइडेड मिसाइल है, यानी जहां लेजर पड़ेगी वहीं ये मिसाइल जाकर तबाही मचा देगी। इसकी फायरिंग रेंज 4-5 किलोमीटर होती है। रफ्तार करीब 966 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसे 125 मिलीमीटर स्मूथबोर गन से लॉन्च किया जाता है। इसके अलावा भारत ने तमाम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें स्वदेशी तकनीक से विकसित कर ली हैं, जिनकी दुनिया भर में डिमांड है। भारत की इन्हीं ताकतों की वजह से भारत के दुश्मन थर्रा उठते हैं। आज के वक्त में भारत ने अपनी रक्षा क्षमताओं में भयंकर इजाफा कर लिया है। जहां उसके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, वहीं अब वो भयंकर हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में लगा है। भारत हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए कई प्रोजेक्ट पर एक साथ काम कर रहा है, जहां वो एक तरफ रूस के साथ मिलकर इसके लिए काम कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ वो स्वदेशी तकनीक से इस क्षमता को हासिल करने में लगा है। वहीं भारत अपने डिफेंस सिस्टम को बेहद ताकतवर बनाने में लगा है। भारत की रक्षा क्षमताओं को पूरी दुनिया आंखें फाड़ कर देख रही है और भारत के हथियारों की घातक क्षमताओं को देखकर लगातार इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। आज भारत चीन से लेकर रूस तक के कस्टमर्स को अपने हथियार बेचने में कामयाब हो रहा है। इसकी वजह ये है कि भारत अब इस मामले में दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। भारत की तमाम क्षमताओं के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं।